हेलो गाइस नमस्कार, मैं आज आपके लिए एक मुहासे वाली क्रीम लेकर आया हूँ जो पिंपल्स के लिए जो यूज की जाती है वो क्रीम लेकर आया हूँ। कई गर्मी में कई ऐसे स्किन होती है जो कि ऑयली और हमारे स्किन पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वे हमारे ज़्यादा जो स्किन पे जो मैं आपको बता चीक पे ज़्यादा आते हैं जो ऊपर के होते हैं उस पे ज़्यादा हमारे स्किन पे वह पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करूंगा इसी पिंपल्स क्रीम के बारे में, एजर्मा ड्रीम क्रीम के बारे में। तो आज की वीडियो में बने रहना और मैं बात करूंगा एजर्मा ड्रीम क्रीम के बारे में। इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, इससे क्या साइड इफेक्ट्स है, आपकी स्किन पर किस तरह से वर्क करेगी, इसके क्या बेनिफिट है, इसका क्या यूज है, सारे सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजी ड्रम क्रीम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है रोहित, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस के साथ बात करूंगा इस क्रीम के बारे में और वह कई ऐसे वीडियो हैं जो बताया जाता है कि ये क्रीम हाई पिगमेंटेशन मेलाइजमा गोरा करने के लिए काम में आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके अंदर इसकी सच्चाई क्या है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। एजीडर्मा जो क्रीम है ये एक मुहासे वाली क्रीम है गाइस। इसके अंदर बेंजोल प्रोक्साइड केमिकल है वह एजेलिक एसिड है जो आपके मुहासों को कार्य करती है, आपके मुहासों को सुखाने में कार्य करती है, जिससे आपकी स्किन पे जो मुहासे है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी पिंपल्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं आपको बता कई ऐसी वीडियो जिसमें बताया हाई पिगमेंटेशन के लिए यूज हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो ओनली फॉर मुहासे के लिए, जो कि आपके मुहासों को खत्म करती है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्रीम कई यूज हुई भी है, यूज करते हैं, इसके क्वांटिटी भी ज्यादा भी है कम भी। मैं आपको बता, अगर इस क्रीम को आप यूज करते हो तो 10% वाली इस क्रीम को उपयोग करना, कभी भी ज्यादा वाली उपयोग नहीं मत करना गाइस। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी वाली यूज करते हो तो आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आप कम से कम क्वांटिटी वाली यूज करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक मेडिकेटिव क्रीम है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस क्रीम का उपयोग करना सही राह होगी। अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का उपयोग करते हो तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि आप इसको खुद से उपयोग करो, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से क्रीम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम आपको नहीं बता सकते कि वह आपकी स्किन किस तरह से वह किस प्रकार की है, वे आपकी स्किन पे सेंसिटिव है, वे आपकी स्किन पे किसी को साइड इफेक्ट्स है, उस पे आपको पिंपल्स आ गए, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का उपयोग करें गाइस, कभी खुद से उपयोग नहीं करें। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर में एजेलिक एसिड भी है जो आपकी स्किन के जो मुहासे उसके अंदर जो बैक्टीरिया उनको बिल्कुल खत्म करने में कार्य करता है, जिससे आपके अंदर जो मुहासे होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं जो पिंप वाले जो मुहासे होते हैं उनको बिल्कुल नष्ट करता है, जैसे आपकी स्किन पर किसी पर कोई पिंपल्स हो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये आपकी इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स इस तरह से आपकी स्किन पर वर्क करते हैं। बात करते हैं इसके यूज के बारे में, आप इसको नाइट में सोते समय उपयोग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं जब पिंपल्स है उसको वहीं उपयोग करना गाइस, वे ज्यादा स्किन पर वे मत लगाना, जिससे आपकी स्किन पर किसी प्रकार रेडिएशन भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता इसको उपयोग रात को सोते समय करना, और जब पिंपल्स है वहीं उपयोग करना, और सुबह आपको उठने के बाद अच्छे फेस वॉश धो लेना है, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता अगर इसी के साथ हिमालय फेस वॉश का उपयोग करते हो नीम का, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिससे आपके मुहासे जल्दी जल्दी खत्म होना स्टार्ट होंगे। वे गार्नियर का भी उपयोग कर सकते हो, गार्नियर का भी फेस वॉश बहुत अच्छा आता है। मैं आपको बता ये दोनों फेस वॉश बहुत बेस्ट होता है, जिससे आपके मुहासे खत्म हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट, आपके मुहासे को खत्म करने में कार्य करता है जल्दी से जल्दी, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके मुहासे को बिल्कुल खत्म करने में कार्य कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ साइड इफेक्ट्स, आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वे आपको बताता हूँ आपकी स्किन पर रेडिएशन पिंपल्स आपकी स्किन किसी पर कोई सब साइड इफेक्ट्स हो सकता है, नुकसान आपकी स्किन पर हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का उपयोग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।